नकारात्मक विचार जो है ना वो पहले से ही हमारे इसमें, मतलब जैसा ये अनुवंशिकता बोलते हैं ना, अनुवंशिक वैसे नकारात्मक विचार है। कोई किसका फोन आया तो लगता देखो अभी क्या हो गया, आता क्या आया गड़बड़ हुआ है ना, फोन आला मुझे कहती गड़बड़ झाली, कहेगा अच्छे के लिए कोई फोन नहीं करता, बुरे के लिए फोन करते रहते। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज है ना, एवरी न्यूज इज अ बैड न्यूज। अभी आपको बताऊंगा कि मैं जब बात कर रहा हूँ ना, मैं जब बात कर रहा हूँ तो कोई भी ह्यूमन बीइंग एक मिनट में 600 से 800 शब्द सोचता है और 600 से 800 शब्द दिमाग में चलते रहते। होता क्या है मालूम है क्या, कि ये दुनिया में अंडर द सन, ये सूरज के नीचे कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है। तो नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, इट इज योर व्यू टूवर्ड्स इट दैट मेक्स इट सो। आपका देखने का नजरिया क्या है उसको वैसा बनाता है। कोई भी घटना होती है और वो घटना होने के बाद में, कोई भी कुछ भी घटना हो गई तो वो घटना होने के बाद में मैं उस समय जो उसको मैं मीनिंग लगाता हूँ, उसको जो मैं अर्थ लगाता हूँ जो घटना हो रही है उसको, बस उससे मेरे इमोशंस तैयार हो जाते हैं और जो इमोशंस तैयार हो जाते हैं वो इमोशन से मेरा बिहेवियर बनता है। देखो सिचुएशंस डू नॉट क्रिएट इमोशन, एक्सटर्नल थिंग्स डू नॉट क्रिएट इमोशंस, हु क्रिएट द इमोशन, यू क्रिएट द इमोशंस बाय गिविंग सम मीनिंग टू व्हाट एवर इज हैपनिंग। आप जो भी हो रहा है उसको जो अर्थ लगा रहे हैं वहां से मीनिंग तैयार करते हो और जो भी आप मीनिंग तैयार करते हो वहां से इमोशंस आते हैं और जो इमोशंस आते हैं वहां से बिहेवियर बनता है। समझो मैं सुबह उठा, मैं ब्रश वगैरह किया, ब्रश करने के बाद में मैं डाइनिंग टेबल के पास में गया, वहाँ गरम गरम चाय वहाँ रखी हुई है ना, और छोटा बच्चा घर का वहाँ आता है और वो कप को उछाल देता है, वो कप को उछाल देने के बाद में वो चाय मेरे शर्ट के ऊपर आती है और शर्ट खराब हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैंने अभी उसको अर्थ लगा दिया कि अभी मेरे को शर्ट ये समझता नहीं क्या, ऐसा कैसा रख दिया चाय, ये चाय रखना नहीं था, ऐसा वैसा वैसा चालू हो जाएंगे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं कुछ तो भी बोल दूंगा कि ऐसा चाय क्यों रखा है ना, ये चाय बराबर रखना चाहिए था, ऐसा वो कुछ तो भी बोल दूंगा मैं। वहाँ से फिर क्या होगा, चिल्लाना चीखना है ना किसके तभी ऊपर, फिर बोला कि ठीक है अभी वो बच्चों को समझो स्कूल पहुँचाने का है या कुछ करने का है तो वो दिमाग खराब है ना, ठीक नहीं जाएगा रोकने वो, और वहाँ उसको फिर बैग लेना है, फिर ऑफिस में जाना, इधर जा, मतलब वहाँ से दिमाग चालू हो गया। वहाँ समझो ऐसा कुछ नहीं करते थे, समझो चाय गिर गया इसका मतलब क्या गिर गया, शर्ट बदल दिया और चुपचाप रहते थे तो कुछ नहीं होता था, मगर चाय गिर गया इसका मतलब क्या हो गया, ये मैंने मतलब लगा दिया तो उसका प्रॉब्लम आ गया। तो आप मतलब नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, इट इज योर व्यू टूवर्ड्स इट दैट मेक्स इट सो। आपका उसके तरफ देखने का नजरिया क्या है वो उसको वैसा बनाता है। सिचुएशंस डू नॉट कॉज इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस डू नॉट कॉज इमोशंस, एक्सटर्नल थिंग्स डू नॉट कॉज इमोशंस, देन हु क्रिएट इमोशंस, यू क्रिएट इमोशंस बाय गिविंग सम मीनिंग टू व्हाट एवर इज हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस समय जो भी हो रहा है उसको कुछ ना कुछ अर्थ लगा के आप उसको मीनिंग देते हो और वो मीनिंग इमोशंस तैयार करते हैं।